स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज आप एक बहुत ही कमाल के मशरूम के बारे में सीखेंगे। इसका नाम है लायंस मेन मशरूम। इसका साइंटिफिक नेम है हेरिसियम एरिनासियस। ये जीनस जो है हेरिसियम से बिलोंग करता है। इसको काफ़ी तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे मंकीज हेड या फिर पहाड़ी साधु, और इसको हेजहॉग, और कह सकते हैं दाढ़ी दांत वाला मशरूम। बहुत सारे नाम हैं। बट इसको लायंस मेन क्यों कहा जाता है? मेनली क्योंकि अब देख सकते हैं ये मशरूम दिखने में जो है लायन के जो मेन है वैसा ये दिखता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम है और इसका फ्लेवर जो है समुद्री सी फूड की तरह कंपेयर किया जाता है, जिसको प्रॉन क्रैब या लॉबस्टर से कंपेयर किया जाता है। सो जो ये मशरूम है इसका सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें इस तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि इंसान के दिमाग की जो शक्ति है इसको बढ़ा सकती है। और जो दिमाग में जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी ब्रेन में नर्व के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ये जो है ठीक करता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाए जाने की वजह से ये जो मशरूम है इसकी पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ही इसकी डिमांड है। ये कोई भी साधारण मशरूम नहीं है, ये अन्य मशरूमों से काफ़ी अलग है, जो कि आज इस वीडियो में पूरी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। इसलिए इसका जो एवरेज प्राइस है, इसका जो ड्राई मशरूम है, लगभग 10,000 रुपये पर किलोग्राम में बिकता है। और इसका जो पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट है, जो उसका जो एक्सट्रैक्शन इससे निकलता है, वो लगभग उसका 80,000 से 1,00,000 रुपये पर किलोग्राम इसका दाम है। तो इस मशरूम को इसी वजह से कहा जाता है कि ये न्यू मनी मेकर ऑफ द फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर में पैसा बनाना है तो ये मशरूम पे दाव लगाओ, क्योंकि फ्यूचर इंसान का दिमाग में ही है। जो चीज़ दिमाग को बढ़ा सकती है, जो दिमाग को क्योर कर सकती है, उसका डिमांड तो बढ़ना ही है। सबसे बड़ी बात है कि भले इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो, सबसे खास बात है कि अगर आपको ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन या कोई भी मशरूम बेसिकली आता है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ना तो इस मशरूम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बहुत ही कम लागत से इसमें आप काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। लायंस मेन मशरूम आखिर इतना खास क्यों है, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप उगाना है और इसकी फिर मार्केटिंग कैसे करनी है। तो आगे शुरू करते हैं। तो लायंस मेन जो है इसकी जो कुकिंग रेसिपी है, इसको काफ़ी तरीके से बनाया जा सकता है। इसको फ्राई किया जा सकता है, इसको आप अलग अलग मसालों के साथ फ्राई किया जा सकता है, या इसका चिली बनाइए, ग्रेवी बनाइए, किसी भी तरह का जो भी हम खाना बनाते हैं उसके साथ ये बहुत इजीली घुल मिल जाता है। और इसको सिंपली बॉयल करके सूप के रूप से भी लिया जाता है, इसका सेवन किया जाता है। और इसकी खासियत है कि इसको बड़े आराम से सूर्य की किरणों से या फिर ड्रायर के थ्रू इसको ड्राई किया जा सकता है, और जिसको हम फ्यूचर में कभी भी जब भी हमें ज़रूरत पड़े इसको हम सीधा पानी में सोख करके वापस फ्रेश मशरूम की तरह इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि ये मशरूम इतना अमेजिंग क्यों है। दूसरे मशरूमों की तरह ये जो मशरूम है इसमें गिल्स नहीं होते हैं। आपने कभी ख्याल किया होगा जो मशरूम होते हैं नेचुरली, जैसे ऑयस्टर मशरूम, इसमें गिल्स हैं। इस गिल्स का क्या काम है कि इसमें से स्पोर निकलते हैं। पर लायंस मेन मशरूम में गिल्स के जगह जो है टीथ बोलते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं स्पाइंस बोल सकते हैं। ये जो लंबे लंबे सफ़ेद जो है इसके, ये गिल्स का अल्टरनेटिव है, इसको हम टीथ बोलते हैं। और इसका काम है ये स्पोर रिलीज करता है। जो लायंस मेन का स्पोर होता है वो वाइट कलर का होता है। जो लायंस मेन होते हैं ये हिडनॉइड फंगी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो स्पाइंस हैं ये अपने फ्रूटिंग बॉडी से बाहर की तरफ जाते हैं। एक्चुअली लायंस मेन दूसरे मशरूमों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्या करता है ना कि अपने एरिया को, अपना रिप्रोडक्टिव एरिया, मशरूम तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए ही निकालता है माइसीलियम से, तो ये जिसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने सर्फेस एरिया को मैक्सिमाइज़ करता है इस तरह के लंबे लंबे टीथ प्रोड्यूस करके। लायंस मेन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि पेट के टिश्यू और जो इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ के वजह से हज़ारों सालों से एक्चुअली चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो इसका रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है, और अब तो हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। जैसे पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या पेट में गैस्ट्रिक की जो भी डिजीज़ होती है उसके लिए ये प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली कि ये उसमें काम करता है। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च अभी ये दिखाते हैं कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है,
तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही रहेगा तो हमें वैसे ही नॉर्मली कोई बीमारी नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ है कि एडवांसमेंट हो रहा है दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में, तो नए नई बातें सामने आई है। तो रिसेंट मॉडर्न साइंस में रिसर्च होने के बाद पाया गया है कि लायंस मेन जो है एक्चुअली पेट में, चलो है अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है, बस सबसे ज़्यादा कमाल का बात है कि इसमें ब्रेन बूस्टिंग फंक्शन है जिसको इंग्लिश में न्यूट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो ये क्या करता है एक्चुअली, हमारे ब्रेन में काफ़ी सारी जो भी न्यूरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी नर्व लिंक्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका ये क्योर करती है, उसको ये ठीक करती है। हमारे जो नर्व सेल में अगर कभी कोई ब्रेन में डैमेज हो जाए या कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसको ये ठीक कर सकती है। साथ ही साथ अगर इसका हम रेगुलर सेवन करें तो ये क्या करता है, हमारा ब्रेन में कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे कि अलग अलग चीज़ों को समझने की शक्ति या फिर याददाश्त की शक्ति, और अगर किसी को फोकस करने में प्रॉब्लम है या एंग्जाइटी, अगर तरह तरह की किसी भी छोटी मोटी बात में अगर ज़्यादा टेंशन होता है या फिर कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, तो ये सारी की सारी मानसिक प्रॉब्लमों के लिए ये मशरूम बहुत ही कारगर साबित हुआ है। भूल जाने की समस्या अक्सर जो है ओल्ड एज में आती है, अल्जाइमर डिजीज़ बोलते हैं उसको, उसका भी प्रिवेंशन करता है ये मशरूम। सो अक्सर क्या होता है कि जो भी ये मशरूम का सेवन करते हैं वो खुद ही इसको नोटिस करने लगते हैं कि कुछ ही दिनों में उनकी जो याददाश्त है, उनकी जो क्रिएटिविटी लेवल है, मेंटल एंड्योरेंस, दिमागी, एक तो होता है शारीरिक थकान, हम शरीर से थक जाते हैं, एक बार होता है मेंटल थकान, कुछ करते करते फोकस ही गवा बैठते हैं, कोई फोकस ही नहीं रहता है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि पाई गई है इस मशरूम के रेगुलर सेवन में, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर में। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ मेमोरी और फोकस में ही नहीं, ये इमोशनल चीज़ में भी आपको हेल्प करता है, कि ओवरऑल क्या है, इसमें ऐसे तत्व मौजूद है जो कि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन को इम्प्रूव करता है। सो हमारे ब्रेन और शरीर में अगर कनेक्शन अच्छा है तो हमारा ओवरऑल वेलबींग अच्छा हो जाता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इसमें कि ऐसा काम कर देगा कि हमारे पूरे शरीर को इतने भयानक रूप से, इतना कमाल तरीके से ये कैसे इम्प्रूव कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें दो स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिसको कहते हैं हेरिसिनोन्स एंड एरिनासिन्स। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेशन के लिए। ये जो दो केमिकल, ये जो दो कह सकते हैं कंपाउंड्स, इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो है इसमें पाए गए हैं, वो नर्व रीजनरेशन को प्रमोट करता है। मतलब एक्चुअली क्या है, नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, और इसका मेन काम ही ये है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो या रेगुलेशन, जैसे हमारा हार्ट बीट चल रहा है, हमारे शरीर में तरह तरह के हार्मोन रेगुलेशन हो रहे हैं, ये सब हम नहीं कंट्रोल करते हैं, ये सब हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली नर्व ग्रोथ फैक्टर करता है, या फिर हमें कभी कोई भी खतरा हो तो हमें अपने आप हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स, ये सब के लिए NGF नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, ये NGF की जो संख्या है हमारे ब्रेन में, ये कम होने लग जाती है। एक और बात है कि NGF में एक लिमिटेशन है कि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ हमारे ब्रेन में खून दौड़ेगा नर्व के थ्रू, उसी सेल्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब ये सिमिलरली हम कह सकते हैं ये हमारे खून के ऊपर डिपेंड करता है ब्रेन में, कि हमारा ब्रेन में नर्व्स के थ्रू कहाँ कहाँ खून फैलेगा, वहीं पे NGF अपना काम करता है। लायंस मेन में कमाल की जो एरिनासिन्स मिलते हैं, जो कि उससे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें ये खासियत है कि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सोचिए, जहाँ पे हमारा NGF भी नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो तो ब्लड के थ्रू ही फैलता है, ये ब्लड के अलावा भी फैल सकता है, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ न्यूरोलिंक्स एंड तरंगों के थ्रू आप फैल रहा है आपके शरीर में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हम लायंस मेन का एरिनासिन कंज्यूम करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, तुरंत हमारे जो शरीर में न्यूरॉन्स है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो काफ़ी कमाल का चीज़ है, क्योंकि NGF को स्टिमुलेट करता है, और डायरेक्टली ये सीधा ब्लड पे ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ही कुछ इस तरह है कि उसको सेवन करते ही हमारे पूरे शरीर में वो फैलने लग जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी कमाल का मशरूम है। इसलिए रिसर्चर्स जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पाया गया है कि हमारे शरीर में जो पेन सिग्नल्स है, काफ़ी बार हमें जो पेन सिग्नल हो जाता है, नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाता है, उन सबको रिकवर करता है ये। अगर कभी किसी को नर्व डैमेज है तो उसकी रिकवरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये जो एरिनासिन्स और जो है ये एक माइसिलियम, लायंस मेन के माइसिलियम में पाया जाता है, और जो हेरिनासियंस होता है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी में,
एक्चुअली माइसिलियम से ही फ्रूट्स निकलते हैं जो मशरूम हम कहते हैं, तो इन दोनों का एक साथ एक ही मशरूम में पाया जाना काफ़ी कमाल है, और इस तरह का कोई और दूसरा मशरूम अभी तक नहीं पाया गया है। तो ये दो कमाल के कंपाउंड्स ही इस मशरूम को खास बनाते हैं। अब जानते हैं कि लायंस मेन को कैसे बनाया जाए, कैसे हम इसको ग्रो करें, ग्रोइंग पैरामीटर क्या है। ये मशरूम जो है नेचुरली जंगलों में जो डेड ट्रीज़ होते हैं और जो लॉग्स होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनमें नॉर्मली नेचुरली ग्रो करती हैं। हेंस जो शिटाके मशरूम है, जस्ट उसी के तरह हम इसको आउटडोर लॉग्स में उगा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह शिटाके मशरूम को आउटडोर में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सिमिलर वही प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आप नेचुरल लकड़ियों के टुकड़ों में भी इस मशरूम को उगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देखिए, और जैसे मैंने सिखाया आपको शिटाके ग्रो करना, सिमिलरली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पर जो सबसे पॉपुलर तकनीक है, इसको इंडोर मेथड में कैसे उगाया जाए, ये सबसे ज़्यादा तकनीक जो है पॉपुलर है, और मैं भी यही कहूँगा कि आप इंडोर में ग्रो कीजिए, क्योंकि ये दूसरे मशरूमों से एकदम अलग है। ये ओस्टर मशरूम के तरह एकदम बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, लगभग 15 से 30 दिन के अंदर आप इस मशरूम को उगा सकते हैं। और इसको उगाने के लिए जो सबसे बेस्ट जो इसका सबस्ट्रेट पाया गया है वो है हार्डवुड सॉडस्ट। तो जो हार्डवुड सॉडस्ट मतलब होता है जो हार्ड लकड़ियाँ होती हैं, जिनके जो पत्ते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, उनके जो सॉडस्ट जो होते हैं उसमें ये उगाया जाता है। तो इसका आइडियल इनक्यूबेशन टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस है, और जो इसको फ्रूटिंग टेम्परेचर है वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस है। इसको उगाने के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको आपको 90% मेंटेन करना है। तो इसीलिए मैंने कहा ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आप ऑलरेडी, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं कि किस तरह से गर्मियों में मशरूम्स को उगाया जाए, अगर आप उस प्रोसेस को इसको समझ लेंगे तो आप इसको लगभग ईजिली गर्मियों में भी उगा लेंगे, साथ ही साथ पूरे साल भी उगा सकते हैं। क्योंकि ये मशरूम जो है अनलाइक अदर मशरूम बहुत हार्डी है, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर भी चला जाए नीचे भी चला जाए चलता है। अगर जैसे दूसरे मशरूम है लाइक बटन गर्मी हो गया मर जाएगा, या फिर ओइस्टर मशरूम है CO2 बहुत ज़्यादा हो गया घर बंद है, एकदम लंबे लंबे मशरूम निकलने लग जाएंगे। पर लायंस मेन की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि वो इंटेलिजेंट मशरूम है, वो कुछ ना कुछ बुद्धि करके निकल ही जाता है। तो काफ़ी हैसल फ्री मशरूम है और बहुत ही आसान है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी मशरूम नहीं उगाया है तो आप ईजिली इससे शुरू करेंगे तो आप ईजिली इसको उगा पाएंगे। स्टेप बाई स्टेप कल्टिवेशन गाइड मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप लायंस मेन अपने घर में ही उगा पाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट जोड़ लेने हैं, ये आपका पहला स्टेप है। इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो मशरूम का, लायंस मेन का स्पॉन चाहिए। अगर या तो आप सिंपली अपना ही मशरूम का स्पॉन बना सकते हैं, कैसे बनाना है तो उसके लिए आप bmmushroom.com में जाइए, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है स्पॉन बनाने का सिंपली। अदरवाइज आप सिंपली उसी वेबसाइट bmmushroom.com से अपना स्पॉन भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे थ्रू। और इसके बाद आपको चाहिए सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के लिए आपको कोई भी लकड़ी के मिल में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जहाँ से आपको हार्डवुड जैसे ओक, पॉपुलर, बीच, एल्डर, है ना, और भी पूरे कौन कौन से पेड़ है जिनके हार्डवुड्स में ये उग सकता है, उसका भी लिस्ट मैंने bmmushroom.com में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप हार्डवुड पैलेट्स ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हार्डवुड पैलेट्स भी जो है सॉडस्ट से ही बनता है, और उसका मेनली यूज़ जो बिकता है वो इसलिए बिकता है ताकि उससे ग्रिलिंग वगैरह की जाती है, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो आप हार्डवुड पैलेट्स मंगा सकते हैं। और आपको फिर सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सप्लीमेंट्स में इसमें ओट या फिर वीट ब्रैन या राइस ब्रैन, ये सब यूज़ हो सकता है। तो आप सप्लीमेंट लगभग 10-25% इस्तेमाल करना है। सप्लीमेंट होता है नाइट्रोजन सोर्स, जो कि आपके मशरूम के पैदावार को ज़्यादा वृद्धि देता है, साथ ही साथ बहुत फास्ट ग्रो करवाता है। साथ में आपको चाहिए होगा पानी, और आपको चाहिए होगा कुछ ग्रोइंग बैग्स जिनमें आप मशरूम को उगाएंगे। एक्स्ट्रा आप रबर बैंड या रस्सी रख सकते हैं ताकि आप बैग को बाद में बांध सकें। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, आपको इक्विपमेंट कौन से चाहिए, आपको मेजरिंग कप चाहिए जो कि स्टैंडर्ड कप होते हैं, बकेट चाहिए होगा एक, और आपको प्रेशर कुकर या फिर एक ऑटोक्लेव चाहिए होगा जिसमें आप अपने सबस्ट्रेट को स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेप टू, आपने जब भी अपने ये सारे मटेरियल स्टेप वन में इकट्ठे कर लिए, स्टेप टू के लिए तैयार है। 5 pounds या फिर लगभग 2.3 kilograms लायंस मेन ब्लॉक को बनाने के लिए आपको 5 cups ऑफ हार्डवुड फ्यूल पैलेट्स इस्तेमाल करने हैं, साथ में 1.4 liters पानी। आप इन दोनों को एकदम अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 30 मिनट से 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो है पैलेट जो है हार्डवुड का, वो पानी को सोक कर लेगा और वो सिंपली सॉडस्ट बन जाएगा।
अब इसमें आप अपना जो है सप्लीमेंट मिक्स कर दीजिए। इसमें 1.25 कप्स आपको वीट ब्रैन मिक्स करना है, अच्छे से उसको थॉरली मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद आपको चेक करना है कि उसमें फाइनल मॉइस्चर कितना है। फाइनल मॉइस्चर 60-65% रहना चाहिए। सिंपल है, आप हाथ से उसको जोर से प्रेस कीजिए। अगर आपके हाथों के कोने से अगर पानी नहीं गिर रहा है, कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहा है, पर आपका हाथ का जो तलवा है, जो आपका पाम है, वो हल्का भीग रहा है, उसमें आपको मॉइस्चर नमी लग रही है, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपका सब्सट्रेट जो है 60-65% मॉइस्चर है, अब ये रेडी टू यूज़ है। सब्सट्रेट में अगर पानी ज़्यादा रहेगा या इससे कम रहेगा तो आपका माइसीलियम में समस्या आएगा और ख़राब हो सकता है आपका बैग। स्टेप 3, ये प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का। आपको जो है आपके मिक्सचर को ग्रो बैग्स में डालना है और उसमें से जितनी भी हवा है उसको निकाल देना है और बैग को अच्छे से फोल्ड करना है। अब उसको आप अपने ऑटोक्लेव या फिर प्रेशर कुकर में डालिए और 15 PSI में उसको 2.5 घंटे के लिए ऑटोक्लेव में छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने सब्सट्रेट को निकाल देना है और वेट करना है कि आप कब आपका वो जो भी आपने सब्सट्रेट अपना स्टेरिलाइज किया है वो ठंडा हो जाए। स्टेप 4, इनोकुलेशन। जब भी आपका सब्सट्रेट पूरी तरह ठंडा हो जाए अब आप इसको इनोकुलेट कर सकते हैं। इसको इनोकुलेट करने के लिए आपको, इनोकुलेशन क्या है, सिंपल, स्पॉन को जब भी मशरूम के सब्सट्रेट के साथ मिक्स किया जाता है उसको इनोकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस वक्त आपको स्पॉन को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, पहले अपने हाथ को और जो भी सरफेस जहाँ पे आप बैठ के इनोकुलेट करेंगे उसको अच्छे से थॉरली क्लीन कर लीजिए। आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ को साफ़ करने के लिए, पूरे एरिया को साफ़ करने के लिए, या फिर साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमिनार फ्लो बॉक्स एयर फ्लो है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इजीली, बहुत इजीली इसको आप इनोकुलेट कर पाएंगे और कोई भी आपका इन्फेक्शन नहीं आएगा। पर नहीं है तो आप स्टील एयर बॉक्स भी बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैंने वेबसाइट भी मशरूम में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, एक वीडियो है जिसमें स्टील एयर बॉक्स घर में कैसे बनाया जाता है, मैंने उसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। या फिर सिंपली एक ऐसा घर, ऐसा रूम जहाँ पे कोई भी हवा ब्लो ना करे, क्योंकि देखिए हवा में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी होते हैं, जो कि आपके बैग्स में एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग इनोकुलेशन। अपने बैग को इतने अच्छे से स्टेरिलाइज किया, अब आप नहीं चाहते हैं ना कि एयर के थ्रू उसमें कोई भी कंटामिनेंट घुसे, तो आप कोई स्टील एयर जगह पे बैठ के इनोकुलेट कीजिए। अच्छा, इनोकुलेशन के लिए स्पॉन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, देखिए स्पॉनिंग जो है आपके ऊपर है, आप 5-20% तक इस्तेमाल कीजिए बैग के वजन के हिसाब से। ज़्यादा स्पॉन आप इस्तेमाल करेंगे अप टू 20%, तो आपका जो इनोकुलेशन रेट है, माइसिलियम का स्प्रेडिंग है, वो जल्दी होगा, फास्ट होगा, फ्रूटिंग्स अच्छे आएंगे। अब जब आपने स्पॉन को मिक्स कर दिया है अपने सब्सट्रेट में, तो आप अच्छे से उसको थोड़ा मिक्स कर दीजिए अच्छे से अंदर ही, पैकेट्स को हिला के और रबर बैंड से उसको बांध दीजिए। स्टेप 5, इनक्यूबेशन। इस वक्त क्या होगा कि आपको अपने बैग्स को सिंपली अपने घर में रख देना है जहाँ पे नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर 20-24 degrees है, या फिर आपका फार्म, अगर आपको नहीं पता कैसे फार्म डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आप सिंपली आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कैसे फार्मिंग के लिए घर बनाया जाए। तो आप जब इसमें क्या होगा कि इनक्यूबेशन के लिए अपना बैग को रख देंगे, इसमें आपको लगभग 10-14 days वेट करना है, और इस टाइम पर आपका माइसीलियम जो है कम्प्लीटली आपका स्पॉन के ज़रिए पूरे के पूरे सबस्ट्रेट में फैल जाएगा। माइसीलियम जो है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि दूसरे मशरूम की तरह लाइन्स में इनका मशरूम का माइसीलियम थोड़ा अलग रहता है। बाकी मशरूम जैसे ओइस्टर हो गए, है ना, या शिटाके हो गए, मिल्की मशरूम हो गए, इनके मशरूम के जो माइसीलियम है काफ़ी वाइट होते हैं और एकदम गाढ़ा, एकदम दूध की तरह पूरा बैग एकदम वाइट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी कंप्लीट हो गए इनक्यूबेशन। बट इसका आपको समस्या आ सकता है, आपको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा एक्सपीरियंस के साथ। इसका माइसीलियम का नेचर ही होता है कि ये थोड़ा कम दिखता है, ऐसा भी लगता है कई बार कि माइसीलियम फैल ही नहीं रहा है क्या, या फिर कहीं कहीं फैला है कहीं कहीं नहीं फैला है, ऐसा लगता है कि पूरा बैग क्या कंटेमिनेट हो गया। बट नहीं, अगर आपने अच्छे से स्टेरिलाइज किया है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन्स मेन मशरूम के अननेचुरल है, एकदम नॉर्मल नेचर है कि उसका जो माइसीलियम है दिखता नहीं है, वो उसका एकदम मकड़ी के जाल जैसा अंदर ही अंदर फैलता है, पर कई बार हमें दिखता तक नहीं है पर मशरूम निकलने लग जाता है, तो ये एकदम नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है। तो फिर सवाल ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अभी मशरूम निकलने का टाइम आ गया है, बैग तो पूरा वाइट नहीं हुआ। सिंपल, देखिए माइसीलियम बहुत तेज़ फैलता है इसका, आपको 14 दिन के बाद अपने बैग को अच्छे से गौर से देखना है, ऑब्जर्व करना है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे पैकेट्स के अंदर ही मशरूम निकलने लग जाएंगे आपके, वहाँ पे फ्लफी चादर के जैसा सफ़ेद 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 अलग अलग जगह जैसे आपको दिखेगा कि मशरूम निकलने लग गया है, तुरंत समझ जाइए कि ये फुल्ली कॉलोनाइज्ड हो गए हैं, अब इसको फ्रूटिंग की टाइम आ चुका है।
स्टेप 6, अब आपको जो है उसको फ्रूटिंग का लिए कंडीशनल जो आइडियल कंडीशन है उसको वातावरण मेंटेन करना है। आप क्या कीजिए, पूरे बैग्स में लगभग कुछ होल्स बना दीजिए, कट कर दीजिए या तो वी शेप में या एक्स शेप में, एकदम स्टेरिलाइज ब्लेड लेकर, और उसमें पानी का स्प्रे करना है आपको दिन में काफ़ी बार, और उसको एक ऐसे जगह में ही रखना है जहाँ पे टेम्परेचर 21, 22, 23, 24 रहे और एक मॉइस्ट एनवायरमेंट रहे। आप उसमें मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं और फ्रेश एयर की ज़रूरत है, अगर आप उसमें फ्रेश एयर देंगे तो आपका मशरूम अच्छे क्वालिटी का आएगा, जल्दी आएगा। तो माइसिलियम को आप थोड़ा फ्रेश एयर दीजिए उस वक्त, एंड 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके जो छेद आपने बनाए हैं वहाँ से उसके पिन हेड्स या प्राइमोर्डिया जो है वहाँ पे फॉर्म करने लग जाएंगे, और पूरे मशरूम में लगभग 2 से 3 दिन में धीरे धीरे वहाँ से मशरूम निकलते हुए और कुछ ही दिनों में वो एकदम बड़े हो जाएंगे। सो ये जो मशरूम है इसको हार्वेस्ट करना भी आसान है, उसको सिंपली आप एकदम बेस से पकड़ के उसको ट्विस्ट कीजिए, गोल घुमाइए तो मशरूम वहाँ से निकल जाएगा, या फिर सिंपली आप कैंची या किसी सांप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशरूम दिखने में तो बहुत डेलिकेट होते हैं, लगता है कि बहुत स्पॉन्जी और पता नहीं कितना सॉफ्ट होगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये मशरूम का सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छा है, फ्रिज में ये आराम से 10-12 दिन ठीक रहेगा। इस मशरूम को या तो फ्रेशली कंज्यूम कर सकते हैं या फिर फर्दर ड्राई कर सकते हैं। ड्राई मशरूम काफ़ी महीनों तक ठीक रहता है, जिसको कभी भी वापस रिहाइड्रेट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशरूम का आप पहले बेसिक स्किल मास्टर कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह सीख गए तो आप इसको कमर्शियल कल्टीवेट भी कर सकते हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि bmmushroom.com में अवेलेबल है। उसमें हम पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, फार्म डिज़ाइन और इसका एक्सट्रैक्शन, मार्केटिंग सब कुछ सिखाते हैं। आपको बाय लीड्स मिलता है, मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ आपको पूरी तरह से मशरूम को इकोनॉमिकली किस तरह से ग्रो करना ये सिखाया जाता है। और अगर आपको मशरूम के बारे में बहुत कुछ जानना है एक्स्ट्रा, जिसमें आपको फर्दर मैं इस मशरूम के बारे में बताऊंगा, तो आप लिंक में दिए गए फ्री वेबिनार का लिंक जो है क्लिक करके उसको पूरा फॉर्म भरिए, और आपको कोई भी डाउट है इस मशरूम के बारे में उसमें क्लिक करके उसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो हम वेबिनार में एड्रेस करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि ये मशरूम के लिए मैंने जो भी आपको अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बड़े आसान से ये मशरूम को उगा सकते हैं। अब मार्केट प्लेस, ये मशरूम को मार्केटिंग कहाँ करें, कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि ये जो अलायंस मेन मशरूम है ये कोई साधारण मशरूम नहीं है, तो जो इसका मार्केट डिमांड है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली बहुत स्ट्रांग है। बस सवाल ये है कि आप सबको कैसे बताएंगे कि आपने मशरूम उगा लिया है या आपके पास मशरूम अलायंस मेन है। जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर पाएंगे उतना ही आपके पास डिमांड आएगा, क्योंकि इस मशरूम का डिमांड तो है, पर आपको बताना पड़ेगा। आप सिंपल अपने घर में उगा के बैठे रहेंगे तो कोई मशरूम लेने नहीं आएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, अपने यहाँ पे गूगल में लिस्टिंग कीजिए, जितने मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन में उन हर जगह अपनी लिस्टिंग कीजिए, ताकि लोग आपके पास आए, आपको बताएं कि हाँ उन्हें चाहिए। सेकेंडली, आप इसको लोकल जो फार्मर्स मार्केट होता है जहाँ पे वेजिटेबल सेल होता है, चाहे वो रिटेल हो होलसेल हो, वहाँ पे आप उसको बेच सकते हैं। जो आपके सुपरमार्केट जैसे मॉल्स होते हैं, जो सप्लाई इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उनसे आप सीधा वेंडर से ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू एक्सोटिक मशरूम है, तो इसका क्योंकि टेस्ट भी बहुत कमाल का है तो इसकी डिमांड तो हमेशा रहती है शहरों में। रेस्टोरेंट होटल चेन से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये लाइंस मेन, अगर आपने उनको एक बार दे दिया किसी रेस्टोरेंट की, आप एक बार बना के दीजिए, देखिए चिली, क्योंकि देखिए नॉनवेज तो खैर काफ़ी सारे चीज़ अवेलेबल है, पर जो वेजिटेरियन सेक्शन होता है उसके लिए काफ़ी कम अवेलेबल चीज़ें होती है, पनीर या मशरूम। मशरूम में कमाल का मशरूम है लायंस मेन, बटन तो हर किसी ने खा लिया, अगर ये खा लिया तो वो फिर दीवाना हो जाएगा। तो ये कमाल का मशरूम रेस्टोरेंट होटल्स में तो भयानक रूप से बिक सकता है। एक और चीज़ है, ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स बहुत है जो एक्सपोर्ट करते हैं इस मशरूम की, जिन तक आप पहुंच सकते हैं उनको आप देंगे तो आपको बल्क में देना पड़ेगा, बहुत सारा उगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप सबके लिए मैंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया हुआ है, आप bmmushroom.com में जाइए, वहाँ पे मेंबर्स एक्सक्लूसिव पेज है, वहाँ पे जाके आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे हम फ्री में आपको डेली जो भी बायर्स हैं जिनको मशरूम चाहिए उनका डिटेल्स हम देते हैं, आप सीधा उन बायर्स को कॉन्टैक्ट करके अपने मशरूम्स को बेच सकते हैं, और आप वहाँ पे फ्री बुक्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन हमारे bmmushroom.com में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मशरूम का मार्केट सिर्फ फ्रेश और ड्राई में नहीं, इसके वैल्यू एडिशन में है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो इस मशरूम का जो टिंचर या फिर जो इसका एक्सट्रैक्शन पाउडर है वो लाखों में बिकता है,
क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर क्यों ऐसा है कि फ्रेश मशरूम से भी ज़्यादा उसका क्यों डिमांड है ज़्यादा? क्योंकि जो एरिनासिन एंड हेरिसिनोन्स मैंने आपको बताया, जो कंपाउंड्स हैं, जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमारे ब्रेन केमिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पानी में नहीं सॉल्यूबल है। ये जो है टर्पिनॉइड्स कंपाउंड्स हैं। सो ये क्या होते हैं, ये अल्कोहल एक्सट्रैक्शन से ही निकल सकते हैं। इसको अल्कोहल में डुबो कर रखना पड़ता है ड्राई मशरूम को 1 महीने तक, उसके बाद वहाँ से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो कि मैं आपको हमारे वेबिनार या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वेरी सून मैं इस बारे में बताऊंगा आपको किस तरह से मशरूम से एक्सट्रैक्ट्स बनाया जाता है, तो या फिर आप हमारे जो ट्रेनिंग कोर्स में भी सीखेंगे इस चीज़ को। तो ये एक्सट्रैक्शन नेसेसरी है अगर आप इसमें ब्रेन बूस्टिंग केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, जो लायंस मेन में 2 कंपाउंड्स हैं जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है और इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, वो तो वाटर सोल्यूबल है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं और या बीटा ग्लूकेंस हैं। बट अगर आपको ब्रेन बूस्टिंग केमिकल्स चाहिए लायंस मेन से, तो एरिनासिन एंड हेरिसिनोन सिंपल मशरूम को कुक करने से नहीं आएगा। उसको क्या होता है ना, जो मशरूम जो होते हैं, नॉर्मली भी मैं यही कहूँगा कि मशरूम कभी भी सिंपल कच्चा मत खाइए, खाने से वैसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या होता है ना कि मशरूम, या फिर पकाते हैं तो अच्छी बात है, क्या होता है ना कि मशरूम का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन नामक एक सेल से बनता है, जो कि बहुत हार्ड होता है। कह सकते हैं कि जो केकड़े के जो हड्डी होते हैं ना, वो भी चिटिन से बनता है। तो सोचिए कितना हार्ड है। तो हमारे पेट में जो है चिटिनिज एंजाइम्स जो है वो नहीं होते, इसलिए हम जो है उस चिटिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम मशरूम नॉर्मली हम खाते हैं ना, क्या होता है कि इसमें जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें इस तरह के बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो हमें मिलते ही नहीं है। ऐसे तो मशरूम में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पेट के लिए, शरीर के लिए और मल्टीविटामिन्स के लिए अच्छे होते हैं, और हमें मिल जाएगा अगर हम कुक करके खाएंगे या सूप के थ्रू खाएंगे। पर जो लायंस मेन टाइप के मशरूम होते हैं, अगर हम उसमें से सिंपली उसको कुक करेंगे या बॉयल करेंगे, तो उसमें से हमें एरिनासिन्स या हेरिसिनोन्स नहीं मिलेंगे। तो उसके जो टर्पेनॉइड कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ अल्कोहल से ही एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो उसी वजह से अगर हम इसको वैल्यू एडिशन करें, अगर हम इसका एक्सट्रैक्ट्स बना के इसको मार्केट में बेचें, तो हमें तो लाखों गुना फ़ायदा है, क्योंकि हमें बस थोड़ा समय और इन्वेस्ट करना है। वैसे ही मशरूम बहुत जल्दी निकल जाता है अगर हम उसको सही क्वालिटी का हम उसमें एक्सट्रैक्ट्स बना के हम बेचें, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, आप amazon.com में लायंस मेन लिखिए, ज़्यादातर बिक रहे होंगे एक्सट्रैक्ट्स, क्योंकि हाई डिमांड उसी का है। हर कोई सिंपल आजकल टैबलेट खा के अपने ब्रेन को ठीक रखना चाहता है, किसी के पास उतना टाइम ही नहीं है कि डेली मशरूम पका के खाए। इवन दो ये बहुत अच्छी हैबिट है कि आप डेली फूड में खाइए, क्योंकि लायंस मेन तो वैसे ही इतना अच्छा टेस्ट है, बट ये जो एक्सट्रैक्ट्स का बिजनेस है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मशरूम में। और अगर आप नहीं जानते इस बारे में, तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपको इस बारे में और डिटेल में सिखाऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स में बताइए। हम बहुत जल्दी वापस से मिलेंगे। हैप्पी मशरूमिंग।